कौन समाधे? भगवान देवदत्त महादेव माँ गोरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप स्तुप्त हो जाता है। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवदत्त महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता हूं। पूरी भारत की भूमि पे शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी मिलेंगे, पूरी भारत की भूमि पे। अपने कुरुत के जितने मंदिर हों शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ हैं। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा, शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी। शिवजी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहे और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं है। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी। माँ माता पार्वती जी का स्थान नहीं मानी, अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जा, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजा। पर केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ, एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता, उसका नाथ शिव होता, उसका नाथ ओगड़ता नहीं होता। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठ रहे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहाँ आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहाँ अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। नहीं रह सकते,
तो भूखा सो ही नहीं सकता।